आज मैं आपको ग्रामीण बस्तियों के विषय में समझाने जा रहा हूँ। ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ, ये दो प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। तो यदि हम इन दोनों में अंतर देखें तो जिन बस्तियों के निवासी कृषि और पशुपालन तथा जीविका उपार्जन करते हैं उन बस्तियों को हम ग्रामीण बस्तियाँ कहते हैं। इनमें ये वन काटने, खान खोदने, शिकार करने, जंगलों पर्वतों पर कंदमूल फल आदि भोज्य पदार्थ इकट्ठे करने का कार्य करते हैं। आदिम काल से ही इस तरह के जितने भी उद्योग धंधे ये करते रहे हैं, जैसे मछली पकड़ना, इस तरह के कार्य ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। नगरीय बस्तियों में कोई भी निर्माण कार्य, परिवहन आदि की सेवाएं, अन्य सेवाएं पाई जाती हैं। और नगरीय बस्तियों में जनसंख्या की सघनता के साथ साथ गतिशीलता भी पानी चाहिए होती है। मानव बस्तियाँ को यदि हम देखें तो वहाँ का जो पारिस्थितिक विज्ञान है, इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, उस दृष्टि से हम जनसंख्या और उसकी संरचना को देखते हैं। प्रदेश का भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक उद्योगों के विकास की अवस्था, सामाजिक संगठन का एक ऐतिहासिक अनुक्रम, इस तरह से इसका संबंध स्थापित किया जाता है। मुख्य रूप से अब हम ग्रामीण बस्तियों पर आते हैं। अब ये बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं उस हिसाब से ये देखा जाए तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं वो विभिन्न प्रतिरूप लिए हुए होती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। और कुल मिलाकर कर हम सेटलमेंट का, बस्तियों का यदि पैटर्न देखें तो हम बस्तियों को प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे परिक्षिप्त बस्तियाँ, सघन बस्तियाँ, संयुक्त समृद्ध बस्तियाँ, खंडित अपखंडित बस्तियाँ, एकाकी बस्तियाँ, बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं। इन बस्तियों में अलग अलग घर होते हैं। कृषि का जो फार्म होता है वहीं पर घर बना लिए जाते हैं। मकान चाहे पक्के हों चाहे ईंट के बने हों, छप्पर या झोपड़ी हो, लेकिन कृषि के साथ साथ ये लोग वहाँ निवास करते हैं। सघन बस्तियों में मकान या झोंपड़ी पास पास इकट्ठे होते हैं। ये पुंजित और सेकेंद्रित बस्तियाँ भी कहलाती हैं। संयुक्त बस्तियों में एक गांव के साथ उसके एक दो पूर्वे भी होते हैं। अपखंडित बस्तियों में अलग अलग वास की बस्तियाँ के अंदर एक दूसरे के निकट बसे हुए होते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग में इस तरह की बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से हम इनके प्रतिरूप पर आते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में जो प्रतिरूप पाए जाते हैं, पैटर्न पाए जाते हैं, जहाँ जनसंख्या किस आकार में बसी हुई है उसको हम एक प्रतिरूप कहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का यदि हम प्रतिरूप देखें तो विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप हमको देखने को मिलते हैं। रेखीय प्रतिरूप, दूसरा है चौक पट्टी प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इस तरह से ये इनके प्रमुख प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सो स्ट्रिंग प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, सीढ़ी नुमा चौकोर प्रतिरूप, मधुचत्ता प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, अन्य प्रतिरूप और देखने को मिलते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जो प्रमुख प्रतिरूप है उनमें रेखीय प्रतिरूप आता है। अब यह रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? किसी सड़क या नदी अथवा नहर के किनारे बसे हुए मकानों को बस्तियां रेखीय प्रतिरूप की होती हैं। इन मकानों के द्वार सड़क या किनारे की ओर होते हैं। मान लीजिए कोई नदी बह रही है और नदी के साथ साथ बस्ती का निर्माण हो जाता है,
सड़क के साथ साथ बस्तियाँ बन जाती हैं, हाईवे के साथ साथ बस्तियाँ बन जाती हैं और रेखी प्रतिरूप की बस्तियाँ कहलाती हैं। दून घाटी में रेखी प्रतिरूप में प्रकीर्ण, सघन और संयुक्त और अपखंडित चारों प्रकार की बस्ती देखने को मिलती है। चौक पट्टी प्रतिरूप मैदानों में जो गांव दो मार्गों के मिलने के या क्रॉस होने से स्थान पर बसते हैं, अर्थात इसको यूँ कहते हैं कि जहाँ पर सड़कें आपस में समकोण पर काटती हैं और वहाँ से बस्ती का बनना यदि प्रारंभ हो जाता है तो उसको हम चौक पट्टी प्रतिरूप कहते हैं। उत्तरी चीन में इस प्रकार के बहुत से गांव मिलते हैं। ऐसे गांवों की बस्तियां चौक पट्टी प्रतिरूप में देखने को मिलती हैं। मेरठ जिले के गांवों में गोएसपुर, दोतारा, अटचेनी, प्रतापपुर, रेवड़ी, खास ये मार्ग के क्रॉसों पर बसी हुई